हेलो स्टूडेंट, आज हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर के एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक सीख रहे हैं हम। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ट्वाइस ए बी टू गिव्स ए बी प्लस बी टू। और क्वेश्चन में कहा गया है, द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के पी एंड टोटल प्रेशर पी इज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और के पी एन प्रेशर के बीच में आपको रिलेशन पूछा गया है। चार ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन है ए आई पी एम टी 2008 का। अब इस क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है तो यदि हम प्रॉपर मेथड से कर दें तो इसके लिए हमें के पी का पूरा डेरिवेशन करना होगा। और के पी का पूरा डेरिवेशन करके यदि हम इस रिलेशन को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। और डेरिवेशन भी इतना आसान नहीं है, डेरिवेशन भी यदि आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तभी आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे अटेम्प भी नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है। कैलकुलेट कैसे करना है उसे देखिए आप। आपसे कहा गया यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान रखें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरली हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा आ जाए या फिर डिसोशिएटेड मोल्स आ जाए। डिसोशिएटेड मोल्स को आप किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। इसका यदि मुझे रिलेशन कैलकुलेट करना है प्रेशर से तो 1/P^2 डेल्टा एन बाय एन पी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोशिएटेड मोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P^2 डेल्टा एन बाय एन पी, जहाँ पर डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन में इसकी स्टेट भी मेंशन करी हुई है, सभी कौन से स्टेट में है, गैसेस स्टेट में ही हैं। तो डेल्टा एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, और एन पी यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोशिएटेड मोल्स और प्रेशर के बीच में। लेकिन यही रिलेशन यदि आपको वॉल्यूम के लिए पूछा गया है तो यही पावर आप वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं। तो V^2 डेल्टा एन बाय एन पी हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो अप्लाई करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो एक्स इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू P^2 डेल्टा एन, देखा जाए यहाँ से 2n 1 3, प्रोडक्ट के मोल मिल गए हमें 3 मिल चुके हैं, रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स 2 मिल गया। तो डेल्टा एन हमने कैलकुलेट किया तो डेल्टा एन कितना आ गया, 3 - 2 = 1। तो P^1 एन पी हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टोटल कैलकुलेट किया 2 + 1 = 3। तो P^2 कितना आ चुका है यहाँ पर, P^1/3। तो हमारी ट्रिक से रिलेशन मिला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएटेड मोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P^3 आ रहे हैं इस इक्वेशन के लिए। अब हमने हमारे ऑप्शन को चेक करें जिसमें P^1/3 ऑप्शन मिल रहा है हमें, तो आप देख सकते हैं कि P^1/3 इन चार ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 3, और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो इस ट्रिक को यूज़ करके, ध्यान रखिएगा ये है हमारी ट्रिक पूरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोशिएटेड मोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P^2 डेल्टा एन बाय एन पी, और यही रिलेशन यदि आपको वॉल्यूम के लिए पूछा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V^2 डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन पी। इस रिलेशन को यूज़ करके आप इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को ओरली कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।